आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कछुए के बारे में हाँ जी रियल कछुआ नहीं जो आर्टिफिशियल जो होता है जो स्टैचू कछुआ होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी बहुत सारी बातें हैं जो शायद आप नहीं जानते जो आपको बहुत ही ध्यान देना जरूरी है प्रिकॉशंस लेना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि कोई भी जो चीज़ होती है आप उसको आंखों से देखते हैं और वैसा ही वो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट माइंड पर भी आता है और उसी तरीके से वो चीज़ आपके जीवन में भी काम करती है चाहे आपकी वो सेहत हो पैसा हो व्यापार हो या रिश्ते हो NAMASKAR मैं हूँ आहूजा और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल इंदु जी के रेमेडीज़ पे देखिए जो कछुए होते हैं वो अलग अलग मटेरियल के मार्केट में अवेलेबल होते हैं अलग अलग शेप्स भी होते हैं शेप्स इन द सेंस कई बार देखिए आप उनका जो बैक होता है वो आप देखेंगे कि वो खुलता है या उनके नीचे यंत्र बने होते हैं अलग अलग रंग उनके होते हैं एक के ऊपर एक भी कछुआ होता है एक माता कछुआ होती है एक छोटा सा कछुआ उसके साथ लगा होता है मतलब अलग अलग इस तरीके के मार्केट में मिलते हैं मटीरियल भी अलग अलग होता है क्रिस्टल के होते हैं धातु के बने हुए होते हैं फिर लकड़ी के भी बने हुए होते हैं तो बहुत सारे ऐसे होते हैं तो आज मैं आपको वो जानकारी आपको मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आपको देख रेख करनी है और आ, क्या ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए क्या आपको चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अगर आप कछुआ का स्टैचू रखते हैं और नहीं भी रखते हैं तो आप जरूर से लेके आइएगा क्योंकि इसके बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं देखिए मेरे पास भी आपको मैं दिखाती हूँ और भी काफ़ी अलग अलग हैं मेरे पास एक देखिए ये है अभी एट प्रेजेंट आप देख रहे हैं ये धातु का बना हुआ है और इसके नीचे देखिए ये इस तरीके से यंत्र भी बना हुआ है आप देख रहे है ना तो ऐसे बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं तो आज मैं आपको बताती हूँ जो सबसे पहला पॉइंट आपको जो ध्यान देना है कि किस डायरेक्शन में इस कछुए का चेहरा या ये पूँछ होनी चाहिए तो जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है देखिए ये होती है पूँछ ठीक है ये कछुए की पूँछ है तो ये हमेशा कछुए की जो पूँछ होती है वो उत्तर यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ ही होनी चाहिए ये सबसे पहले आपको चीज का ध्यान रखना है अब जो चेहरा है आप जैसे अभी यह नॉर्थ है तो नॉर्थ की तरफ रखेंगे तो चेहरा इसका घर के सेंटर की तरफ होना चाहिए जो आपके घर का जो बीच आ रहा है ना वहां पे होना चाहिए अगर वहां पे नहीं हो पा रहा है तो दक्षिण की तरफ आप चेहरा करके रख सकते हैं लेकिन इस चीज का आपको ध्यान देना है कि इसका चेहरा किसी भी हालत में दरवाजे या खिड़की की तरफ नहीं होना अब एक और बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ जो थोड़ी सी आपको यहाँ पर अलग लगेगी मुझे कुछ अलग आपको वीडियो में बोलना है तो ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे पहले भी बताया था मुझे तेईस साल का एक्सपीरियंस है इनफैक्ट अभी ये चौबीसवा भी खत्म होने वाला है इतने मैं क्लाइंट से बात कर चुकी हूँ और मेरे खुद के भी लाइफ में एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं तो उससे सीखते सीखते ये मुझे काफ़ी बातें पता चली कि पहले मैं भी वो चीज़ें करती थी लेकिन एक्सपीरियंस के साथ मुझे ये बातें पता चली तो वही बात आज मैं आपके साथ सारी बातें शेयर करी तो इसको पानी में नहीं रखना चाहिए पहला कारण ये कि देखिए अगर मान लो कि वो मेटल का भी है या कोई कलर वाला है तो उसका कलर या ये वो निकल जाएगा दूसरी बात अगर ये धातु है तो ये धीरे धीरे आपका काला होता चला जाएगा तो आप देखेंगे कि जो पानी है उसका रंग बदल गया है या ये देखने में बहुत ही ज्यादा आपको अच्छा भी नहीं लगेगा कुछ वक्त के बाद ये खराब दिखने लग जाता है ठीक है भले फिर वो पीतल का हो उसके बावजूद भी अगर वो चीज आपकी खराब नहीं हो रही है भले वो क्रिस्टल की तो भी उसको पानी में नहीं रखना कि इसका कारण एक ये भी है कि देखिए ये रियल नहीं है ये सच वाला नहीं है ये एक स्टैचू है ठीक है ये एक स्टैचू है स्टैचू को जब हम अपने घर में रखते हैं तो ये एक थ्री इफेक्ट हमारे माइंड पे देता है एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट हमारे वो माइंड पे देता है कछुए को केवल ऐसे ही आपको रखना है या टेबल पे आप रख सकते हो या कब्ट के ऊपर रख सकते हो कहीं पे भी रख सकते हो लेकिन इसको पानी में आपको नहीं रखना है यह पहली बात उसके बाद आपको ये भी चीज़ का ध्यान देना है कि बहुत लोग बोलते हैं इसको आप प्लेट में रखिए ठीक है जिनको फॉलो करना है आप वो कर सकते हैं लेकिन प्लेट में रखने का ये मतलब हुआ कि जो उसका दायरा है वो लिमिटेड हो गया है वो ग्रो नहीं हो पा रहा है वो मूव नहीं हो पा रहा है अगर कोई चीज़ चलती है तो वो ओपन स्पेस होती है राइट अगर आप उसको एक प्लेट पर रख देते हैं तो वो वहीं पे रुक गया उसका मूवमेंट नहीं है कोई भी चीज जब रुकी हुई होती है तो उसमें जान नहीं होती है वैसे भी इसमें नहीं है लेकिन हमें इसमें एनर्जी वो क्रिएट करनी है हमने उसको प्लेट में रख दिया या किसी चीज में रख दिया दैट मीन्स उसका मोमेंट जो है वो वहां पे रुक गया है आपको उसको रोकना नहीं है आपको उसको मूवमेंट देना है मूवमेंट आपको फील कराना है कैसे आप उसको एज इट इज रख देंगे बस चाहे कबट के ऊपर रख दें चाहे आप उसको टेबल पे रख दें या आप किसी भी चीज़ पे ऐसे ही डायरेक्ट उसको रख सकते हैं देखिए नॉर्मली ऐसा माना जाता था कि क्रिस्टल का जो है जो टॉटल है उसको इस कोने में रखना चाहिए या मेटल का है तो उसको ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में रखना चाहिए लकड़ी का है तो उसको ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में रखना चाहिए लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये बात ऑब्ज़र्व की कि वो मायने नहीं रखता है कि वो किस चीज़ का बना हुआ है मायने ये रखता है कि आपकी आँखों को वो अच्छा लगना चाहिए चाहे वो क्रिस्टल का हो चाहे वो धातु का हो चाहे वो लकड़ी का हो वो आपको देखने में अच्छा लगना चाहिए मायने यहां पे ये रखना चाहिए वो सुंदर लगना चाहिए आपको बस ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है थोड़ा बहुत चीजों का ध्यान रखना है लेकिन ओवर ही आपको उसमें इतना ज्यादा उसको रोबोट की तरह आपको नहीं करना है उन चीजों को रेमिडीज को जब आप करते हैं तो माइंड से फ्री होके उसको थोड़ा सा कीजिएगा तो जब आप ऐसा करते हैं तो वो अच्छे से असर दिखाते हैं आपके जीवन में ठीक है तो आप क्या करेंगे जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो लेके आए अब इसमें भी अलग अलग प्रकार के होते हैं जैसे ये एक आपको मैंने बताया ये नॉर्मल एक है ठीक है अब इसके नीचे यंत्र बना हुआ है यंत्र जो होता है वो अपना अलग तरीके से वो असर करता है लेकिन वो जरूरी नहीं है अगर यंत्र वाला आपको नहीं मिलता है तो उस यंत्र का भी मैं यहाँ पे पिक्चर दे दूंगी आप खुद बना के वो नीचे यहाँ पे चिपका सकते हैं कागज़ पे बना ले आप नॉर्मल रेड कलर की पेन से या ग्रीन कलर की पेन से आप या ब्लू कलर की पेन से भी बना सकते ये खुद आप नंबर्स लिख के आप नीचे लगा सकते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये कंपल्सरी है अब अब आपको इसमें और एक तरीका वाला मिलेगा एक के ऊपर एक तीन होते हैं वो जो तीन वाले होते हैं वो कब काम करते हैं अगर आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा क्लेश है आपके घर में बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है कोर्ट केस का मामला चल रहा है कुछ भी ऐसी बात है तो वो थ्री लेयर वाला जो होता है टोटइज़ वो आपको रखना चाहिए डायरेक्शन सबका उसी तरीके से होगा जैसा मैंने आपको बताया है कलर भी उसमें कोई भी चलेगा मायने नहीं रखता मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि वो किस तरीके का होगा तीन लेयर वाला होगा अगर आपको संतान प्राप्ति नहीं होती है तो ऐसे में एक मदर यानी कि माता कछुआ होगी और उसके ऊपर या उसके पास में एक छोटा सा कछुआ होगा ठीक है तो मदर एंड चाइल्ड का हो गया वो भी आप उसी प्रकार से रखेंगे ठीक है सेम सबका लॉजिक सेम होगा कि नॉर्थ की तरफ पूछोगी फिर आप उसको कहीं पे भी रख दो सिर्फ आपको दो तीन जगह है जहाँ पे आपको नहीं रखना चाहिए एक है बाथरूम दूसरा है किचन यानी कि रसोई घर और तीसरा है आपका बेडरूम ये तीन जगह पे आपको नहीं रखना चाहिए तो बच्चा आपका हॉल लिविंग रूम वहाँ पे आप उसको रख सकते हैं या आपका कोई एक खाली कमरा जिसको आप ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते वहाँ पे आप इसको रख सकते हैं तो जो नेक्स्ट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जब भी आप इसको खरीद के लेके आते तो ख़रीद के लेके आने, आने के बाद आप हल्का सा पानी का छींटा इस पर मार दें क्योंकि देखिए बहुत लोगों ने इसको टच किया काफ़ी सारी एनर्जी उसमें आ गई तो उसमें अच्छी एनर्जी होना ज़रूरी तो हल्का सा पानी आप छिड़क दें उसको पोच लें और धूप में थोड़ी देर के लिए आप इसको रख दें तो जब पानी का छिड़काव पड़ेगा धूप में आप रख देंगे तो वो जो चीज़ आप लेके आए वो स्टैचू जो लेके आएँ उसकी जो एनर्जी है वो क्लियर हो जाएगी पूरी तरह से ठीक है अब आपको नेक्स्ट इसको एक्टिवेट कैसे करना है अपनी इच्छाएं कैसे पूरी करनी है अगर आपकी सेहत में प्रॉब्लम आ रही है आपको पैसे की दिक्कत है आपके रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है या कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम्स है तो आप क्या करेंगे आपको एक कागज़ लेना है नॉर्मल एक कागज़ वाइट कलर का आप ले, ले लेंगे कितने भी साइज़ का और उस पर आप ब्लू कलर की पेन से प्रेजेंट टेंस में अपनी इच्छा लिख देंगे कितनी भी इच्छाएँ आप लिख सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पाँच इच्छा लिखेगा उससे ज़्यादा मत लिखेगा तो पाँच इच्छाएँ वो आपने लिख ली इस कागज़ को आपने फोल्ड कर दिया फोल्ड करने के बाद आपको क्या करना है देखिए अगर इस तरीके का कछुआ है तो आप क्या करेंगे नीचे की तरफ यहाँ पे उसको शलो टेप से आप वो इच्छा को चिपका के रख देंगे कोई भी दिन कोई भी समय इसका पीरियड से लेना देना नहीं है ये आप एक चीज़ करेंगे दूसरा अगर आपके पास वो थ्री लेयर वाला है या आपके पास वो ढक्कन खुलने वाला है तो कैसे भी हो आप इच्छा आप यहाँ पे लगाएंगे लेकिन ढक्कन खुलने वाले में आप इच्छा अंदर डाल सकते हैं बाकी में आप नीचे स्टिक कर दीजिएगा और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यंत्र कंपलसरी नहीं है लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप उसी जो कागज़ में जहाँ पे आप ये अपनी इच्छा लिखेंगे उसी पे आप ये यंत्र भी बना लें बैक साइड पे कागज़ के दूसरे तरफ आप उस यंत्र ड्रॉ कर लें फिर उसको फोल्ड करें और फिर शेलो टेप से यहाँ पर चिपका दें ठीक है तो इच्छा होगी वो आपके अंदर की तरफ चली जाएगी ओके तो आप इसको रख देंगे अब मान लो कि आपकी इसमें से इच्छा कोई एक पूरी हो गई पाँच में से तो पाँच में से अगर एक इच्छा पूरी होगी तो आप उस कागज़ को निकालेंगे वापस से दोबारा आपकी चार इच्छा बची तो चार इच्छाएं आप लिखेंगे और उस पेपर को आप कहीं पे भी पानी में जाके डाल देंगे साफ पानी में या तो आप मिट्टी में जाके इसको दबा देंगे आपके घर के गमले में भी दबा सकते जो कछुआ होता है उसकी जो उम्र होती है बहुत लंबी होती है स्टेबिलिटी होती है आपने बचपन में वो कहानी तो सुनी होगी खरगोश और कछुए की कितने सब्र के साथ कछुआ चलता है तब जाके देखिए वो उसको जीत हासिल होती है इच्छा है वो पूरी हो सकती है लेकिन आपको पेशेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है सब्र रखना है विश्वास आपको रखना है और जो आपको मैंने आज बताया इस तरीके से एक बार ये उपाय करके ज़रूर देखिएगा मैं दिल से आपको बोल रही हूँ ये सच में बहुत अच्छे से काम करता है ये प्रैक्टिकली इसको मैंने खुद अपने ऊपर ट्राई किया था इसी तरीके से जैसे आज मैं आपको समझा रही हूँ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा टेक केयर नमस्कार अगर आप जानना चाहते हैं कि कछुए की अंगूठी को किस तरीके से पहनना चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर मुझे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, तो इस पर भी मैं वीडियो ज़रूर से बनाऊँगी